गुड मॉर्निंग। द्विघात संहिता आपका चैप्टर चल रहा है इस समय। अगले टर्म तक आप त्रिपद पढ़ें, त्रिपद जनरल समीकरण विधि, गुणनखंड विधि द्वारा कैसे समीकरण को हल किया जाता है, गुणनखंड द्वारा समीकरण को हल करने के बाद यक्ष का मान कैसे निकाला जाता है, यह चीज आपको पढ़ाया जा चुका है या आपका समाप्ति हो गया अब चैप्टर। अब अपने मन से आप अपने सवाल को हल कर लीजिएगा। आज आपको बता रहे हैं द्विघात समीकरण का चैप्टर है, आपको आज पढ़ना है पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे यक्ष का मान निकाला जाता है। समीकरण वैसे ही रहेगा जैसे समीकरण द्विघात समीकरण चल रहा है, तो द्विघात समीकरण ही रहेगा। तो द्विघात समीकरण है लेकिन इसमें आपका कुछ बदल गया। बदला क्या है, नियम बदल गया। पहले आप गुणनखंड विधि से पढ़े, अब आज पढ़ेंगे आप पूर्ण वर्ग विधि से कैसे समीकरण को हल किया जाता है, कैसे यक्ष का मान निकालते हैं। ध्यान से देखिए सवाल क्या है। समीकरण 2x² -10 -0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। कुछ नहीं है, सब जैसे आप पढ़े हैं पूर्व कक्षा में वैसे ही इसको भी हल करना है। थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, उसको देख लीजिए कैसे हल करेंगे। सर्वप्रथम पहले समीकरण को लिख दीजिए 2x² -x -10 = 0, ये आपका सवाल है। इसके बाद x यानी चर को एक तरफ कर लीजिए, अक्षर को एक तरफ कर लीजिए, तो 2x² -x अपनी जगह पर ही है, या -10 है = यानी बराबर के आगे जाने पर क्या हो जाएगा +10। 2x² -x = 10, 2x² है x बराबर 10। यह आपका बन गया। अपने मन से आप पूर्व विधि में अपने मन का उपयोग जारी करते हैं। त्रिपद था, गुणनखंड विधि था, तो आपको बस एक ही काम करना था, लास्ट में अपने पद का गुणा करके अपना हल कर लेते थे। इसमें थोड़ा सा आपको अधिक काम करना पड़ेगा। अब देखिए हम क्या लिखे हैं, दोनों पक्षों में दो से भाग दे दीजिए। तो जब इसमें दो से भाग देंगे तो क्या करेगा, x² यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, भाग देंगे तो लिख देंगे 1/2 × x, और 10 में दो से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो x² = 1/2 x = 5। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग मतलब a + b² को तोड़ देंगे। अगर उस वक्त उसके रूप में बना लेते हैं सवाल को, तो अपने आप पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको कुछ करना नहीं। देखिए यहाँ पर a है, a की जगह कुछ नहीं है, अच्छा b की जगह क्या है 1/2 है, तोड़ देते हैं इसको। तो x² √2ab, तो 2 × x × b 1/2 2ab +1/4। आपको सूत्र बताया जा चुका है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मध्य पद का होल स्क्वायर कर देते हैं। 1/2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1/4, और 1/4 संख्या दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। 1/4 का वर्ग जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, यह नियम है पूर्ण वर्ग का। तो वही पे किया है, देखिए x² √2a और बी की जगह पर 1/4 धन 1/4 का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ दिए, और बाएं पर बराबर के आगे भी जोड़ दिए 1/4 का होल स्क्वायर। 1/4 का उसका क्या होता है 1/16। यह आपको बताएं इसमें बस मेन काम यही है, दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है, तो मध्य पद के गुणांक का वर्ग, मध्य पद के गुणांक का वर्ग जोड़ दिए 1/4। देखिए इसका 1/2, इसमें 2 के भाग देकर के पहले इसको पूर्ण बनाए, 1/2 का 1/4 हो गया, 1/4 का वर्ग कर दिया और दोनों पक्षों में जोड़ दिए। ध्यान से देखिए फिर से x² √2ab, तो 2 × x / 1/4 धन 1/4 का होल स्क्वायर धन 5 धन 1/16। ध्यान से देखिएगा, हो गया आपका पूर्ण वर्ग। a + b के होल स्क्वायर में देखिए पूरा टूटा हुआ है, a + b के होल स्क्वायर में a हो गया, 2ab हो गया, और यह हो गया d। देखिए यहाँ पर माइनस है, यानी -b का होल स्क्वायर, यहाँ x है तो x हो गया, और b के स्थान पर क्या है 1/4, a - b का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो गया। a - b का होल स्क्वायर यानी x - 1/4 का होल स्क्वायर
अब इधर का सवाल हल कर दीजिए, तो 16 यहाँ पे लसा हो गया, तो 16 जब लसा लेंगे तो 16 बचे 80, 16 एकम 16, एक एकम एक, 80 धन 1 बटा 16, तो यक्ष ऋण 1 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर 80 धन 1 बटा 16। अब इसे छोड़ दीजिए, तो यक्ष ऋण 1 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर 80 और 1 क्या हो गया 81 बटे 16, 81 बटे 16। अब देखते हैं पूर्व वाली तरफ जा रहा है, पूर्व हो भी गया, तो यक्ष ऋण 1 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर 81 बटे 16। पुनः यक्ष ऋण 1 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, 16 का वर्गमूल 4, 9 बटे 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 बटा 16 मिल जाएगा और दोनों पक्षों में आपको पूर्व वर्ग देखने को भी मिल जाएगा। तो यक्ष ऋण 1 बटा 4 का होल स्क्वायर ये भी पूर्ण वर्ग हो गया और 9 बटे 4 का स्क्वायर ये भी पूर्ण वर्ग हो गया, तो लास्ट में यक्ष ऋण 1 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर 9 बटे 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट भी सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे भी लिख देंगे तो आपका गलत नहीं होगा, ध्यान में महसूस कर लेता है कि सवाल यहाँ से जो है समाप्त हो गया है। अब दोनों पक्षों में देखिए स्क्वायर का स्क्वायर को हटा दिए, अब बचा क्या यक्ष ऋण 1 बटे 4 बराबर, अब आप आगे करके बताएं कि जब वर्गमूल निकाला जाता है तो दो मूल हो जाते हैं, तो कितने मूल, दो मूल, एक धन और एक ऋण, प्लस माइनस 9 बटे 4। पूरे द्विघात समीकरण में आपको दो मूल निकालना है, कोई किसी किसी सवाल में चार मूल भी निकालने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लेकिन नियम यही है कि दो मूल चार मूल होते हैं तो दो उत्तर होता है, मेन उत्तर क्या होता है दो ही मूल होता है, एक धन होता है एक ऋण, प्लस और माइनस, तो यक्ष ऋण 1 बटे 4 बराबर प्लस माइनस 9 बटे 4। अब यहां से एक एक मूल का मान निकाल लीजिए, तो प्लस यानी धन मूल, पहले धन मूल का मान निकाल रहे हैं, तो प्लस मूल लेने पर तो प्लस मूल जब लेंगे तो यक्ष ऋण 1 बटा 4 बराबर 9 बटे 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस दो बार निकाला है तो यक्ष ऋण 1 बटे 4 बराबर 9 बटे 4 कर दीजिए, तो यक्ष बराबर यहाँ माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 9 बटे 4 धन 1 बटे 4, हल कर दीजिए, दोनों का हल बराबर है, एक अंश को जोड़ दीजिए, तो यक्ष बराबर 9 1 10 10 बटे 4, काट दीजिए 2 से, 2 बचे 10, 2 गुना के 4 या यक्ष बराबर 5 बटे 2, यह एक मूल आपका निकल गया, कौन सा मूल, धन मूल, हाँ मूल निकालिए। अब इसी प्रकार से दूसरे मूल की तरफ बढ़िए, इसी प्रकार ऋण मूल लेने पर, ऋण मूल जब लेंगे तो यक्ष ऋण 1 बटे 4 बराबर माइनस 9 बटे 4, यहाँ पर प्लस का चिन्ह क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि प्लस का चिन्ह लिखे या ना लिखे वो अपने को प्रदर्शित करता है, लेकिन माइनस चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा, तो यक्ष ऋण 1 बटे 4 बराबर माइनस 9 बटे 4 या यक्ष बराबर माइनस 9 बटे 4 अपने स्थान पे ही है, लेकिन यह माइनस 1 बटे 4 पर शांतर होने पर क्या हो गया प्लस 1 बटे 4। चलिए यहाँ पर जो दोनों का हर बराबर है तो अंश को जोड़ देते हैं, तो यक्ष बराबर माइनस 9 प्लस 1, माइनस 9 है प्लस 1 तो माइनस 1 को घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस 8 बटे 4, 4 से काट दीजिए 4 गुने 8, तो यक्ष बराबर माइनस 2, यह आपका हो गया कौन सा मूल, ऋण मूल, तो दोनों मूल आपके ज्ञात हो गए, धन मूल हो गया माइनस 9 बटे 4 और ऋण मूल हो गया माइनस 2, यह आपका आंसर हो जाएगा 5 बटे 2 और माइनस 2। आप यहाँ सवाल समझ में नहीं आ रहा समझिएगा, फिर बताएंगे अगले टर्म पे इस पर एक सवाल और आपको पढ़ाया जाएगा, तो जो कमी में होगा वो उसको अगले टर्म पे समझा देंगे आपको, लेकिन आपको पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि बोर्ड की परीक्षा से तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके कोर्स में है इसलिए बताना जरूरी है, आपको अधिकांश करके इसकी तरह चार के बताना है और सिंपल गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से आपको बहुत सवाल बताया जा चुका है, फिर विरक्ति दरा चार भी आगे पढ़ाया जाएगा, यह पूर्ण वर्ग का एक ही चैप्टर है, बस केवल 4-5 सवाल है, इसको आपको देख लेना है कैसे ना, बता दिया आपको, बस कुछ करना नहीं है इसमें, बस पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाइए या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाइए, बस इसी को आपको प्रयोग कर देना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस सवाल में माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस का लगा दीजिएगा। अब आज का यश डब्ल्यू देखिए आप, यश डब्ल्यू क्या है, प्रश्न
कोण वर्ग बनाकर समीकरण को हल कीजिए। जैसे जैसे बताए वैसे ही लगाइएगा दोनों सवाल। पहला सवाल है यक्स स्क्वायर ऋण दो यक्स ऋण तीन बराबर शून्य। यक्स स्क्वायर ऋण दो यक्स ऋण तीन बराबर शून्य। दूसरा सवाल है सिक्स यक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन यक्स प्लस फाइव स्क्वायर टू जीरो। कुछ करना नहीं है, जैसे स्टेप टू स्टेप बताया सवाल को ऐसे ही हल करते चले जाएंगे, इनमें भी दो दो मूल निकलेगा। तो सवाल को हल करके अपना लगा करके भेजिए। धन्यवाद।